Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Cummins College of Engineering for Women, Nagpur. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को लिंचोली से भीमपली तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ के 6 जवानों की टीम रवाना की गई। बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को काला दिवस कह रही है, लेकिन पूरा देश 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक उन्मूलन की वर्षगांठ के रूप में मनाता है। केरल के वायनाड में भूखस्खलन से आई तबाही के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुतमाला कब्रिस्तान में भूखस्खलन में मारे गए अज्ञात लोगों के शव का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। अमित रोहिदास पर पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी टूर्नामेंट में एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया है और अब वह कल जर्मनी के खिलाफ भारत के सेमीफाइनल मैच में भी खेल नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने के मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाढ़ की हालत का जायजा लेने के लिए आज पुणे जाएंगे। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एहसान इकबाल का कहना है कि वर्तमान में हमारे पास वेतन और पेंशन देने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज रात दिल्ली पहुंचेंगे और सुप्रीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंच सचिव राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने फडणवीस को राजनीति का कच्चा नींबू बताया है। नासिक जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक बस ने कार को टक्कर मार दी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी MPA सुचारू रूप से सीट शेयरिंग के मुद्दे का हल निकालेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परमवीर सिंह को अनिल देशमुख ने ही सीपी बनाया था। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को भी उन्होंने ही नौकरी पर रखा था। बारामती से सांसद सुप्रिया सूरी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी देवेंद्र फडणवीस से विचारों की लड़ाई है, उनके साथ कोई निजी लड़ाई नहीं है। घरेलू शेयर बाजार के लिए आज सोमवार को नए सप्ताह की बहुत खराब शुरुआत हुई है। वैश्विक बिकवाली के दबाव में सुबह कारोबार शुरू होते ही चौतरफा बिकवाली दिख रही है। अश्विन मैच विनर खिलाड़ी है और इसका एक और जबरदस्त उदाहरण उन्होंने TNPL में पेश किया है। उन्होंने अपनी कप्तानी में डिंडीगुल ड्रैगन्स को पहली बार TNPL का चैंपियन बनाया है। इस साल अजय देवगन की अब तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है, जहां शैतान को जबरदस्त रिस्पांस मिला था तो वहीं मैदान बुरी तरह से पिट गई। अब आई है और में कहा दम था, तब्बू और अजय देवगन की फिल्म को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।